और श्री हनुमान जी तो ऐसे चले, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, पवन का वेग लज्जित किया, फिर मन का वेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का वेग लज्जित करते हुए श्री हनुमान जी आगे बढ़े। कुछ लोगों को लगता है कि मन तो सबसे ज्यादा वेगवान है, इसको बीच में क्यों रखा, इसको अंत में रखना था। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बीच में ही, ज्यादा वेग वाले को बीच में ही रखो। रेलगाड़ी जब चलती है तो स्टेशन से धीरे धीरे, और पूरे वेग में तो बीच में ही चलती है, अंत में धीरे धीरे रुकती है। तो हनुमान जी ने पहले पवन का वेग लज्जित किया, बीच में मन का वेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का वेग लज्जित करते करते धीरे धीरे उतर गए, रुक गए। ऐसा थोड़ी एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहाँ। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। सो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक एक घंटा कह रहा। सो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं। अरे भाई, हनुमान जी ने बीच में मन का वेग लज्जित किया और अंत में प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भये बानर निकर आए गए हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस वीर रस। श्री हनुमान जी ऐसे आए जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो। पर्वत ही रख दिया, वैद्य जी के हाथ जोड़े, आप ही खोजो गुरुदेव, इस शास्त्र में मर्म कहाँ है, आप ही खोजो। तुरत वैद्य तब कीन उपाय, तुरत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। वैद्य तब कीन बैठे तुरत वैद तब कीन उपाय, तुरत वैद तब कीन उपाय, तुरत वैद तब कीन वैद तब कीन वैद। वैद्य जी ने तुरंत उपचार किया, लक्ष्मण जी हर्षित होते हुए उठ बैठे। और लक्ष्मण जी को जो जागृत देखा तो सभी कहने लगे, लक्ष्मण हुए हैं जिंदा, रावण से जाके कह दो, लक्ष्मण हुए हैं जिंदा, रावण से जाके कह दो, कह दो, सोने की तेरी लंका मिट्टी में मिल न जाए, सोने तेरी लंका मिट्टी में मिल न जाए, सोने की तेरी लंका मिट्टी में मिल न जाए, सोने की तेरी लंका मिट्टी में मिल न जाए। यूं राम कह रहे थे, आए यूं राम कह रहे थे, कहीं रात ढल न जाए, यूं राम कह रहे थे, कहीं रात ढल न जाए।